हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबके? बढ़िया। आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग मैग्नेटिज्म यूनिट 3, जिसका चैप्टर 4 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 4 और चैप्टर 5 दो चैप्टर हैं इसके अंदर हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला चैप्टर जो हम इसमें पढ़ेंगे वो है मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म। तो स्टार्ट करते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे, मज़ेदार, बिल्कुल अच्छे अच्छे तरीके से याद कराएंगे और बहुत मज़ा आने वाला है इस चैप्टर के अंदर। चलिए, मैग्नेटिक फील्ड, आप इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ के आए हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ के आए हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आप पूरा पढ़ चुके हो। अब हम मैग्नेट के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले, जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे पढ़ के आए हो तो मैग्नेटिक फील्ड भी आपको पता होना चाहिए। क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड? मानिए आपके पास में एक बार मैग्नेट है, इसके दो पोल होंगे, एक नॉर्थ पोल होगा एक साउथ पोल होगा। इसके आसपास में जितना भी ये रीजन होगा जिसमें कोई भी एक मेटल ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ इस है और ये मैग्नेट उसे अट्रैक्ट कर पाए, उस पूरे एरिया को या उस पूरी जगह को क्या बोल दूंगा मैं, उतने पूरे फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड बोल दूंगा। मैग्नेटिक फील्ड दो चीज़ों की वजह से हो सकता है, एक बार मैग्नेट की वजह से और दूसरा किसकी वजह से हो सकता है, करंट कैरिंग वायर की वजह से। एक ये वायर है, इसमें किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो भी इसके आसपास में कुछ जगह होगी जहाँ तक पड़े हुए किसी भी मेटल ऑब्जेक्ट को ये अट्रैक्ट कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है। और आपने 10th क्लास में भी पढ़ा था कि अगर किसी वायर के अंदर करंट फ्लो करता है तो वो एज अ सोर्स ऑफ मैग्नेट काम करता है, वो मैग्नेट की तरह काम करेगा और उसके आसपास भी एक करंट मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। और वो कब तक रहेगा? जब तक इसके अंदर चार्ज का मोशन हो रहा है, मतलब जब तक इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, जब तक ही आपको ऐसा देखने के लिए मिलेगा। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना बंद करेगा वैसे ही क्या हो जाएगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये खत्म हो जाएगा। यानी कि चार्ज का जो मोशन है, इसके अंदर चार्ज का मोशन हो रहा है, जब ये तो मैग्नेटिक फील्ड है, तो चार्ज का मोशन जो है वो दोनों चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। इफ सपोज चार्ज स्टॉप्स मूविंग इन दिस वायर, देन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग विल ऑल्सो स्टॉप। एंड इफ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर स्टॉप्स, देन द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द रीजन विल ऑल्सो डिमिनिश। तो होगा क्या कि मैग्नेटिक फील्ड भी खत्म हो जाएगा एंड इलेक्ट्रिक करंट जो है वो भी खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं दैट मूविंग चार्ज इज अ सोर्स ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। वही हमने यहाँ पे सब कुछ आपको लिखा है, द मैग्नेटिक फील्ड डिसअपीयर्स एज सून एज द करंट इज स्विच्ड ऑफ और चार्ज स्टॉप्स मूविंग। इट मीन्स मूविंग चार्ज इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग कैपिटल बी से डिनोट करते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप इसे किस तरीके से लिखा करोगे? बी पे वेक्टर लगा के लिखा करोगे, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ओबे करता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है ये आपको सबको पता ही होगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ओबे करता है। तो आप ये लिख सकते हो दैट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वन वेक्टर प्लस बी टू वेक्टर प्लस बी थ्री वेक्टर। इलेक्ट्रोस्टैट्स में आप लोगों को मैंने पढ़ा है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जिन्हें कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो प्लेलिस्ट में जाके सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वाली वीडियो को थंबनेल पे से देख के आप प्ले कर सकते हो। नेक्स्ट, अब जो पहला डेरिवेशन इस चैप्टर में हम करने वाले हैं वो क्या है, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। 10th क्लास में आपने एक एक्टिविटी करी थी हॉर्सशू मैग्नेट वाली, उसमें हम लोग एक रॉड ला के रखते थे करंट कैरिंग, उसे इस तरीके से किसी एक हैंगर की हेल्प से हमने अटैच कर रखा था, ऐसे टांग रखा था और इसमें करंट फ्लो करा रहे थे। तो हम देख रहे थे कि ये जो रॉड थी ये इसको बार मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी, बार मैग्नेट का पोल से हम इंटरचेंज कर देते थे, पलट के रखते थे बार मैग्नेट को, तो अगर पहले पुल हो रही थी तो बाद में पुश होने लगती थी, ऐसा वैसा कुछ होता था। तो वहीं पे हमने ये कंक्लूड कर लिया था उसी एक्टिविटी के अंदर कि अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में ला के रख दिया जाता है तो वो क्या करता है, एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। यानी कि करंट कैरिंग वायर मतलब क्या है, उसके अंदर चार्ज मूव कर रहा है। तो एक्चुअली ये बेसिकली हम बोलें कौन फोर्स एक्सपीरियंस करता है, वो जो मूविंग चार्ज होता है वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो जब कभी भी चार्ज, मूविंग चार्ज, रेस्ट पे नहीं, मूविंग चार्ज अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड में ले जाके रख दिया, यानी कि चार्ज का मोशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन दैट मैग्नेटिक फील्ड विल एग्जर्ट अ फोर्स ऑन दैट चार्ज। उस चार्ज पे कोई ना कोई एक फोर्स लगेगी ही लगेगी। कितनी लगेगी वो फोर्स, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम ये डेरिवेशन पढ़ने जा रहे हैं। कंसीडर करिए एक पॉजिटिव चार्ज क्यू है जो कि मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर में, और उसकी वेलोसिटी वी वेक्टर है। जो एंगल है वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर में वो ये मान लीजिए कि थीटा है, मतलब जो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की है उससे थीटा एंगल बना के वो चल रहा होगा। ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द मूविंग चार्ज एंड द मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड, द चार्ज क्यू एक्सपीरियंसेस अ फोर्स व्हिच डिपेंड्स ऑन द फैक्टर्स गिवन बिलो। जब मैग्नेटिक फील्ड
में वो चार्ज मूव करता है और इंटरेक्ट करता है मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड से, तो होता क्या है, उस चार्ज पे कुछ एक फोर्स लगती है। वो फोर्स किस पे डिपेंड करती है, कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है जो कि हम आपको नीचे दिखाने वाले हैं। कौन कौन से हैं वो फैक्टर्स? सबसे पहला फैक्टर है जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द मूविंग चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। जितना ज़्यादा चार्ज होगा, मतलब जितना बड़ा चार्ज होगा, जितना चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, वो उतनी ज़्यादा फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। दूसरा क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एफ फैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है ये। जितना ज़्यादा, जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ज़्यादा उस पर फोर्स लगेगी, जितना वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा उतनी कम उस पर फोर्स लगेगी। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स जो है वो वेलोसिटी के उस कॉम्पोनेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है जो परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के। क्या मतलब है इसका, डायग्राम से समझिए। देखिए, हमने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी सपोज ये, पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन थी ये, ठीक। तो ये किस तरीके से है, कुछ ये है आपका, ये मान लीजिए कि आपकी एक्स एक्सिस मान लो, इसे वाई एक्सिस मान लो। तो ये वाली एक्सिस जो है वो जेड एक्सिस है, ये नीचे की तरफ को नहीं है, जेड एक्सिस पता है ना, या तो ऊपर की तरफ मान लीजिए आप अपनी तरफ, या पीछे की तरफ मान लीजिए। जेड एक्सिस ये 3D है डायग्राम, तो ये बाहर को निकली हुई एक्सिस है या अंदर को गई हुई एक्सिस है, मतलब पेपर से ऊपर को आ रही है ये मान लीजिए चाहे आप, ठीक है। तो अब वी है और इसके बीच में हमने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में एंगल कितना बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। तो थीटा एंगल बन रहा है तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि भाई वेलोसिटी को रिजॉल्व कर लेते हैं। वेलोसिटी को रिजॉल्व करेंगे तो थीटा के पास वाला कॉस थीटा, तो ये हो गया वी कॉस थीटा, और थीटा से दूर वाला साइन थीटा। तो ये जो परपेंडिकुलर होगा वो जो ऊपर की तरफ ऐसे करके ऊपर की तरफ यहाँ से बाहर की तरफ आ रहा होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वी साइन थीटा बोल देंगे। इन्होंने क्या बोला कि जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी के उस कंपोनेंट के जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, इसके परपेंडिकुलर यही तो है। अब ऐसे मत देखने लगना कि ये तो परपेंडिकुलर नहीं है, जो मैं कह रहा हूँ इतनी देर से उसे समझना कि जेड एक्सिस है तो या तो ये प्लेन के इनवर्ड्स होगी, यानी कि पेपर से अंदर की तरफ जा रही होगी परपेंडिकुलर, या पेपर से ऊपर की तरफ आ रही होगी परपेंडिकुलर। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो हम बोलेंगे कि दैट एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी साइन थीटा। वो हमने यहाँ पे लिख दिया, दैट एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी साइन थीटा। सारे फैक्टर्स को कंबाइन कर दिया तो क्या बन जाएगा, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू बी वी साइन थीटा। इस तरीके से लिख देते हैं, इसे रीफॉर्म करके एफ इज इक्वल्स टू के क्यू वी पहले लिख देते हैं, बी साइन थीटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप थीटा कहीं भी लिखिए, वैल्यूज तो आप डालोगे जब ही सॉल्व करोगे। वेक्टर फॉर्म में बनाना चाह रहे थे इसलिए इस तरीके से लिख दिए इसे। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो क्या होता है बच्चों, साइन थीटा कौन से प्रोडक्ट में आता है, क्रॉस प्रोडक्ट में आता है। और किस किस के क्रॉस प्रोडक्ट में आता है, जिसके भी बीच में वो एंगल होता है। थीटा किस किस के बीच का एंगल था, बी और वी के बीच का एंगल था। तो बी और वी का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तभी साइन थीटा आएगा। तो मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्लियरली लिख सकते हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं। क्रॉस प्रोडक्ट हटाओगे आप तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, वापस से ये फार्मूला बन जाएगा। अब बात आती है कि इस फोर्स की डायरेक्शन निकालिए, ये फोर्स किस तरफ लग रही होगी। इस फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए बहुत सारे रूल्स हैं जो आपने 10th क्लास में सारे पढ़ लिए, यहाँ पर आप कोई नया रूल नहीं पढ़ने वाले हैं। तो जो मैं रूल यहाँ पर आपको लगा के सिखाने वाला हूँ वो है राइट हैंड स्क्रू रूल। चाहे आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी लगा के निकाल सकते हैं, बट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में हो सकता है आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो जाए। मैं आगे चल के सारे रूल सिखा दूंगा आपको चैप्टर जब हम आगे पहुंचेंगे लॉरेंस फोर्स वगैरह पे। तो राइट हैंड स्क्रू रूल कैसे लगाना है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कैसे लगाना है, राइट हैंड पाम रूल कैसे लगाना है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल कब लगाना है, कहाँ लगाना है, ये सारे रूल्स मैं आपको सिखा दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए अभी हम सिर्फ राइट हैंड स्क्रू रूल तक सीमित रखते हैं अपने आप को, जिससे चीज़ें बेटर तरीके से हमें समझ में आए। तो राइट हैंड स्क्रू रूल क्या कहता है, राइट हैंड स्क्रू रूल ये कहता है कि अगर आपको किसी भी चीज़ की डायरेक्शन निकालनी है, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है, और वो वेक्टर किन्हीं दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से बन रहा है, अगर वो वेक्टर किन्हीं वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से बन रहा है, तो जो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन होगी वही उस वेक्टर की डायरेक्शन हो जाती है। स्क्रू रूल है तो स्क्रू का यूज़ किया जाएगा इसके अंदर, स्क्रू का कंसेप्ट यूज़ किया जाएगा इसके अंदर। देखो क्या करना है हमें, मैं फिर से बताता हूँ। मुझे एफ वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है तो मैं इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से एफ वेक्टर की डायरेक्शन निकाल सकता हूँ।
करते क्या है, जिसका क्रॉस प्रोडक्ट जिससे करा रहे हैं उसकी तरफ चल के जाना है, मतलब वी वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ चल के जाना है। कहाँ? डायग्राम में। डायग्राम देखिए, डायग्राम में आ गए, वी वेक्टर यहाँ है, बी वेक्टर यहाँ है, मतलब मुझे चल के जाना है बी, वी से बी। पहले कौन था फॉर्मूले में? मैंने बोला कि जो पहले आएगा फॉर्मूले में, वी वेक्टर पहले था और बी वेक्टर बाद में था। तो जो पहले फॉर्मूले में है आपको उससे दूसरे वाले की तरफ चल के जाना है। तो आप यहाँ से यहाँ चल के जाओगे इस तरीके से, इस तरीके से चले। ये डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हो आप। आप इसी तरीके से इमेजिन करना ज़रा, अगर आप इस तरीके से घूमना घुमाते हो स्क्रू को, तो स्क्रू क्या होगा, टाइट होगा या खुलेगा? कौन सी डायरेक्शन बोल रहा हूँ मैं, कैसे घुमा रहे हो आप स्क्रू को? ऐसे घुमा रहे हो, घुमाया फिर घुमाया इस तरीके से, इस तरीके से घुमाते चले जा रहे हैं हम स्क्रू को, तो क्या होगा स्क्रू? जिन्होंने स्क्रू कभी खोले बंद करे होंगे वो समझ गए होंगे कि अगर आप इस तरीके से स्क्रू को घुमाते हो तो स्क्रू क्या होगा, आपका बाहर की तरफ आएगा। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज स्क्रू को घुमाते हो तो स्क्रू बाहर की तरफ आता है, अगर आप क्लॉकवाइज घुमाते हो स्क्रू को तो स्क्रू अंदर की तरफ जाता है। आपके बोर्ड में जो इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड होंगे उनमें सब में स्क्रू लग रहे होंगे, आप कन्फ्यूज़ हो तो उनमें ज़रा अपना स्क्रू ड्राइवर उठा के कस के देख लीजिए उन्हें, ठीक है? कस के देखोगे तो सबको पता है कि राइट साइड में घुमाते हैं तो कसा जाता है, मतलब क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो कसा जाता है। कसा जाने का मतलब क्या है? वो अंदर जाता है, ठीक है? तो इनवर्ड्स होगी डायरेक्शन। अगर मैं उसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूँ, अपोजिट डायरेक्शन में घुमाता हूँ, जिस तरीके से मैं यहाँ पे घुमा रहा हूँ इस तरीके से घुमाता हूँ, मतलब ऐसे करके ऐसे घुमा रहा हूँ, तो वो क्या होगा, स्क्रू बाहर की तरफ आएगा, खुलेगा, खुलेगा ना, जब ही तो बाहर की तरफ ही तो निकल के खुलता है स्क्रू, बाहर की तरफ आएगा। तो इसका मतलब डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? आउटवर्ड्स या अपवर्ड्स बोल देते हैं इसे, दोनों बोल सकते हैं, आउटवर्ड्स या अपवर्ड्स। और अगर आप इस तरीके से घुमा रहे हो तो कहाँ जा रहा है? वो अंदर जा रहा है, तो इनवर्ड्स या फिर डाउनवर्ड्स बोल देते हैं उसको। क्लियर हुई बात? और एक बार समझ लीजिए, नहीं आया किसी को समझ में तो, क्या बोला मैंने कि जो भी फॉर्मूला है, आगे भी यूज़ कराऊंगा मैं इस लॉ को बार बार, जो भी फॉर्मूला है उसमें आपको ये देखना है कि क्रॉस प्रोडक्ट किस किस के बीच का है। हमने देखा कि वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट करा रहे हैं, तो मैंने कहा कि आपको डायरेक्शन, ये किसकी डायरेक्शन दे देगा, जो भी इसका फॉर्मूला है ये एफ वेक्टर के बराबर है ना, क्यू भी आगे वो तो अभी मैं कंसीडर नहीं कर रहा, मैं सिर्फ डायरेक्शन के हिसाब से बता रहा हूँ आपको, तो ये एफ वेक्टर की डायरेक्शन दे देगा। कैसे दे देगा? सिर्फ उसका एक ही कंसेप्ट आपको याद रखना है, पहले वाले से दूसरे वाले की तरफ जाना है डायग्राम में चल के, जो भी आपके पास डायग्राम है, वी वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ जाना है हमें ये चल के इस तरीके से। जब हम इस तरीके से चल के जाएंगे तो हमने देखा कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरीके से घूम रहा हूँ। अगर मैं इस पूरे सर्कल को कंप्लीट करूँ तो मैं इस तरीके से ऐसे ऐसे घूम रहा हूँ, इस तरीके से घूम रहा हूँ, और ये डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में अगर आप किसी भी स्क्रू को घुमाते हो तो स्क्रू क्या होता है, वो स्क्रू बाहर की तरफ आता है। आप अपना हाथ घुमा के देख लीजिए, करिए, समझ में आ जाएगा, वो स्क्रू बाहर की तरफ आता है, आउटवर्ड्स आएगा, यानी कि डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, फोर्स की यहाँ पे डायरेक्शन आउटवर्ड्स हो जाएगी। ठीक, क्लियर हुई बात इतनी? अगर किसी को बिल्कुल भी अब भी समझ में नहीं आ रहा तो वो एक चीज़ याद कर सकता है कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो, वैसे तो क्लियर हो जाएगा, बहुत बड़ा कंसेप्ट कुछ भी नहीं है इसमें, अगर आपने स्क्रू खोले बांधे होंगे कभी थोड़े बहुत भी तो आप समझ जाओगे, लेकिन अगर आप नहीं समझ पा रहे तो आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से रट्टा लगा लीजिए। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो क्या होगी, डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड आती है। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है स्क्रू से तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से याद कर ले, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड्स आती है, ठीक है? आउटवर्ड्स या फिर अपवर्ड्स बोलेंगे। इसी का उल्टा करके आप लिख लीजिएगा, अगर आप क्या करते हो क्लॉकवाइज घुमाते हो तो ये आउटवर्ड्स ना होके क्या हो जाएगी, इनवर्ड्स हो जाएगी। अगर आप क्लॉकवाइज घुमाते हो तो इसकी डायरेक्शन इनवर्ड्स हो जाएगी। ठीक, लिख लेंगे सब लोग। चलिए, जिनको प्रॉब्लम है, जिनको स्क्रू से समझ में नहीं आया, वो इस चीज़ को ऐड कर लीजिएगा, तो आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से समझ के कर लिया करिएगा हर बार। ठीक, वही हमने यहाँ पे लिखा है, द डायरेक्शन ऑफ एफ वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वी वेक्टर एंड बी वेक्टर। इट कैन बी डिटरमाइंड बाय राइट हैंड स्क्रू रूल, जो मैंने आपको लगा के दिखाया, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी हम लगा सकते हैं, पर वो हम आगे सिखाएंगे, अभी सिखा देंगे तो आप दोनों में कन्फ्यूज़ हो जाओगे। इफ वी वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इन द प्लेन ऑफ द पेपर, देन अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड स्क्रू रूल द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। क्या कह रहा है कि अगर वी वेक्टर और बी वेक्टर को ये मान लेते हैं कि वो प्लेन में है पेपर के, तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो कहाँ आएगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर आएगी, और आउटवर्ड्स या इनवर्ड्स हो सकती है। आउटवर्ड्स आ रही थी अभी, हमने देखा ऊपर डायग्राम में, हमने कंसीडर क्या कर रहे थे डेरिवेशन में, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के लिए कर रहे थे। अगर नेगेटिव के लिए यही बात आ जाती है तो क्या हो जाएगा, ये इनवर्ड्स हो जाएगा डायरेक्शन, क्योंकि करंट की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी उसमें।
ठीक है, ये डायग्राम बना के दिखाया हुआ है आपको, ये वी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये वी वेक्टर है, एंगल थीटा बन रहा है, पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे थे, तो फोर्स क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड डायरेक्टेड अपवर्ड्स या फिर आउटवर्ड्स। पॉजिटिव के लिए ये थी, और नेगेटिव के लिए आप करोगे तो उल्टा हो जाएगा, फोर्स पहले अपवर्ड थी तो अब डाउनवर्ड्स आ जाएगी। ठीक, यहाँ से अगर डिफाइन करना चाहें बी वेक्टर को तो कैसे करेंगे, फोर्स का फॉर्मूला क्यू वी भी साइन थीटा पढ़ा था, अगर v को q को और थीटा को 90 पुट कर दूं, v और q को 1 पुट कर दूं, तो f जो है वो b के बराबर हो जाएगा। तो किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे फोर्स के बराबर होता है अगर यूनिट चार्ज जो है वो यूनिट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में, ऐसी किसी डायरेक्शन में जो परपेंडिकुलर है किससे, मैग्नेटिक फील्ड वैक्टर से। मैग्नेटिक फील्ड वैक्टर से परपेंडिकुलर, जब भी तो साइन 90 ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो मूव कर रहा है ऐसे कहीं भी, तो उस टाइम पे उसकी जो भी फोर्स होगी उसे मैं क्या कह दूंगा, वो उसका मैग्नेटिक फील्ड है। स्पेशल केसेस क्या क्या हैं, इसी फॉर्मूले में एफ इजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा, अगर इस फॉर्मूले में आप थीटा को जीरो पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, साइन जीरो जीरो होता है तो फोर्स पूरी जीरो हो जाएगी, चाहे साइन 180 पुट कर दो। थीटा जीरो और थीटा 180 का मतलब क्या है, डायग्राम में आइए, ये था डायग्राम, ये डायग्राम था, डायग्राम में आइए, देखिए डायग्राम में अगर थीटा जीरो हो गया इसका मतलब ये वाला एंगल जीरो हो गया, मतलब ये और ये सेम है, मतलब जो पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यही मैग्नेटिक फील्ड और यही वेलोसिटी है। अगर थीटा 180 है तो इसका मतलब पार्टिकल, अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है तो पार्टिकल कहीं इस तरफ मूव कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, समझ में आया वो स्पेशल केस डायग्राम के हिसाब से क्या है। चलिए दूसरे में क्या कह रहा है, अगर वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी जीरो का मतलब क्या होता है कि चार्ज मूव ही नहीं कर रहा, चार्ज रेस्ट पे, तो भी फोर्स जीरो आएगी, क्यू वी भी साइन थीटा में आप वी को जीरो पुट कर दो सब कुछ जीरो, तो इसका मतलब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि अगर कोई भी चार्ज रेस्ट पे लाके मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया गया तो वो कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। अगर थीटा 90 डिग्री हो जाता है तो क्या हो जाएगा, क्यू वी भी साइन थीटा, साइन 91 होता है तो क्यू वी भी आ जाएगा, और जो कि क्या होती है मैक्सिमम फोर्स होती है, सबको पता है साइन थीटा की वैल्यू 1 से या किसी भी कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू 1 से ग्रेटर नहीं होती, मैक्सिमम वैल्यू उसकी 1 ही होती है, तो इस टाइम पे मैक्सिमम फोर्स होगी। यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर मूव कर रहा है पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर मूव करता है तो उस पर मैक्सिमम फोर्स होगी। ये इंपॉर्टेंट है स्पेशल केसेस, एक मार्क्स के क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकता है कि द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम व्हेन, और आपको ऑप्शंस दिए जा सकते हैं कि वो व्हेन इट इज मूविंग पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन इट इज मूविंग एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन इट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन इट इज एट रेस्ट। इस तरीके से चार ऑप्शन होंगे आपके पास में, तो आप ट्रिक लगा सकते हो आसानी से अगर आप स्पेशल केस पढ़ के जा रहे हो तो, कि भाई साइन थीटा, थीटा 90 होता है, थीटा 90 का मतलब जब वो परपेंडिकुलर होगा तो ही मैक्सिमम फोर्स उस पर एग्जर्ट करेगी। यूनिट्स निकालने अगर बी की, तो ऐसा यूनिट जो होती है बी की वो क्या होती है, वो टेस्ला होती है, टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर लिखते हैं हम लोग। अब 1 टेस्ला को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से सब चीज़ को 1-1 पुट करेंगे और 1 टेस्ला डिफाइन कर लेंगे। तो फोर्स 1 न्यूटन है अगर, चार्ज 1 कूलम्ब है अगर, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है अगर, और थीटा 90 है अगर, तो क्या हो जाएगा, बी जो है वो 1 टेस्ला आ जाएगा। तो इस तरीके से 1 टेस्ला की डिफाइन हम लिख देंगे कि बी इज इक्वल्स टू 1 टेस्ला। तो द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, इंडक्शन मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन भी बोलते हैं भाई, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एक ही चीज़ है। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट अ पॉइंट इज सेड टू बी 1 टेस्ला इफ चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब वाइल मूविंग एट अ राइट एंगल टू अ मैग्नेटिक फील्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकंड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एट दैट पॉइंट। अगर 1 कूलम्ब का चार्ज 1 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था, परपेंडिकुलर मूव कर रहा था उसी के, भी थीटा 90 है तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा था, और अगर इस टाइम पे उस पर 1 न्यूटन फोर्स लगती है तो उसके आसपास के मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या बोलेंगे कि वो 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया था। डायमेंशन फार्मूले की बात करें तो क्या होगा, डायमेंशन फार्मूला MT-2A-1, आप उसी फार्मूले में पुट करके सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करके देख सकते हो, डायमेंशन फार्मूला 11th क्लास में आपने सीखा हुआ है। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो आपको बायोट सेवर्ट लॉ से स्टार्ट कराएंगे, जो कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हेडिंग है फॉर मैग्नेटिक्स।